क्यों मैं दुल्हन हूँ। भूल भूल तो नहीं रही कि वो आपकी सौकन की बेटी है, आपकी सौतेली बेटी। ये क्यों कहती हो कि दोस्ती नहीं कर सकती, शादी नहीं कर सकती? हर बार नहीं कर सकती पे जोर क्यों होता है तुम्हारा? जब तक नौशाबा की शादी ना हो जाए तुम शादी नहीं करोगे। मेरी बेटी आपके लड़के से शादी नहीं करना चाहती, निकले यहाँ से। अमल मिर्जा, नायाब मिर्जा की बेटी। आपका गुड लुकिंग, क्यूट और हैंडसम हीरो आया? नहीं आया। नहीं आया? अच्छा, नहीं पसंद तो फिर मेरा ख्याल है कि मैं खुद ही जाके मिलाती हूँ। हाँ, ये ठीक रहेगा। अरे पागल, कभी नहीं मानेंगी अम्मी। अम्मी कभी भी नहीं चाहेंगी कि मेरी शादी हो। वरी स्टेप अम्मी। हाँ क्यों? क्योंकि वो चाहती हैं कि जो कुछ भी उन्होंने मेरी परवरिश पर सर्व किया है मुझे उसका बदला चुकाना चाहिए। मतलब ये कि अपने बहन भाइयों के फ्यूचर, उनकी एजुकेशन के लिए मुझे जॉब करनी चाहिए। तुम क्या चाहती हो? भले वो मेरे सुतेले बहन भाई हैं, लेकिन मैं वाकई उनके लिए बहुत कुछ करना चाहती हूँ। शादी के बाद भी? शादी हो ना हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बाबा के साथ साथ मेरी भी तो जिम्मेदारी है उनका फ्यूचर सिक्योर करना। तुम्हारे बाबा का क्या ख्याल है? किस बारे में? हमारी शादी के बारे में। पापा के ख्यालात बिल्कुल अलग है हमने से। मतलब अगर तुम्हारे बाबा से बात की जाए शादी की, लेट्स सपोज तुम्हारी और मेरी शादी की, तो वो तुम्हारी अम्मी की तरह टांग नहीं अड़ाएंगे? काम कहाँ करते हैं? कौन? हमारे बाबा और कौन? माफ करना बेटे, ज्यादा खातिर नहीं कर सके हम आपके यहाँ पे। हमारी मेहमानदारी तो आपकी वाइफ ने कर दी थी। हम सादा लोग हैं बेटा, हमारे यहाँ वाइफ नहीं होती, घरवाली होती है। और वो मेरी घरवाली ने उस रोज अच्छा नहीं किया जी आप लोगों के साथ। बड़ा शर्मिंदा हूँ मैं इस बात। अरे अंकल, मेरा मकसद आपको शर्मिंदा करना हरगिज नहीं था। नहीं बेटा, आपके साथ और आपकी वालदा के साथ जो सलूक उसने किया उस पर शर्मिंदगी तो बनती है। अंकल, दरअसल मेरी मॉम, आई मीन मेरी अम्मी, उन्होंने इस बात को बहुत सीरियस लिया है। वो अपनी इंसल्ट कभी नहीं भूलते। हाँ बेटा, सारी औरतें तकरीबन ऐसी होती हैं।
कभी कभार छोटी छोटी बातों को भी दिल से लगा लेती हैं हमेशा के लिए। जी, और मेरी अम्मी तो आप उनसे माजरत कर लेना मेरी तरफ से। अंकल मैं कर लूंगा, लेकिन वो दोबारा कभी आपके घर नहीं आएंगे। समझ सकता हूँ, और ना ही वो मेरी अमल से शादी के लिए कभी रजामंद होगी, क्योंकि अब मैं जानता हूँ वो ऐसी हैं। शादी? I'm really sorry uncle, मुझे समझ नहीं आ रहा मैं ये बात कैसे करूं, बहुत मुश्किल है अपने मुंह से सब कहना। चाय ठंडी हो रही? अगर आपकी इजाजत हो तो मैं आपकी बेटी अमल से शादी करना चाहूंगा। आपकी वालदा तो शरीक होंगे ना शादी? अरे क्या कर रहे हो तुम? अम्मी चावल ढूंढ रहा हूँ। चावल ढूंढ रहे हो? अरे चावलों को क्या करोगे, सांस लेके बताओ तुम्हें कच्चे चाहिए पक्के चाहिए? कच्चे चावल चाहिए यार, कच्चे कच्चे चावल। वो तुमने क्या करने, पानी में गिर गया मेरा फोन अम्मी, चावलों में डालना है। अगर चावलों में डालने के बाद सही नहीं हुआ ना, मैं बता रहा हूँ आपने मुझे नया फोन दिलाना है। हाँ हाँ, तुम्हारे अब्बा 40 चोर और मैं मर्जी ना 40 चोरों के ऊपर तेल डाल के सारे खजाने की हिफाजत मैं ही तो कर रही हूँ। यार आपकी और आपकी फालतू कहानियाँ। अरे हटो ना, मेरी सारी चीजें तुमने खराब करके रखी, हटो मैं देखती हूँ। अली तू क्या कर रहा है? या अल्लाह कैसे समझाओ मैं इस लड़के को। आशु होमवर्क कर लिया? नहीं हो रहा अमल बाजी। अरे होमवर्क क्यों नहीं हो रहा आपसे? अच्छा आप मैथ्स के सम सॉल्व करा। आपका कोई बहाना नहीं चलेगा, मुझे पता है आप होमवर्क कंप्लीट कर लेती हो। अरे आपने तो कुछ भी नहीं किया अभी तक आशु। चलो पहले ये कंप्लीट करो, फिर हम मैथ्स का होमवर्क करेंगे, ठीक है? ओके। नुशाबा कहाँ है? वो अपने कमरे में है। अच्छा ठीक है, आप कंप्लीट करो, मैं आके देख रही हूँ होमवर्क, ठीक है? नुशाबा ये क्या, ये फॉर्म अभी तक यहीं पर रखा हुआ है, तुमने फिल भी नहीं किया इसे? मेरी माँ बनने की कोशिश नहीं करो। 3 साल से तुम घर पर हो, जाकर तो देखो कॉलेज, हो सकता है तुम्हें यहाँ की पढ़ाई अच्छी लगे, तुम एंजॉय करो। तुम्हें कहा है ना मुझे नहीं पढ़ना, मेरी माँ बनने की कोशिश मत करो, जाओ यहाँ से। नहीं जाऊंगी मैं, फिर भी ये फॉर्म फिल करूंगी और तुम साइन करोगी। मैं आके फिल कर रही हूँ। बेचारी फिल कर भी लेगी तो मैं कौन से कॉलेज चली जाऊंगी। अस्सलाम वालेकुम बाबा। वालेकुम अस्सलाम बेटा, ठीक है तू? जी। सुन बेटा जल्दी से चाय की प्याली लेकर कमरे में आ जा, मुझे बहुत जरूरी बात करनी है। मिर्ज़ा साहब कौन सा राग अलाप रहे हैं आप, हमें भी तो सुनाइए। अरे राग क्या अलापूंगा, उससे कह रहा हूँ ये जामन धो के फ्रिज में रख दे ठंडे पानी से। लाए बाबा। बाबा चाय। दरवाजा बंद। बाबा क्या हुआ? बेटा वो आया था मेरे पास।
बाबा माफ कर दे मुझे, वो पता नहीं क्यों मेरे पीछे पड़ा हुआ है। अरे बेटा इतना पुराना लड़का थोड़ी है, मुझे तो अच्छा खासा लगा, खानदान भी अच्छा है, बात करने का सलीका भी बहुत है। मैं पानी लेके आती हूँ आपके लिए। बैठी रहो बैठी रहो, मैंने भी उसको हाँ नहीं बोली, बोल दूँ क्या? बाबा मुझे नहीं पता, आप अम्मी से। अरे अम्मी की परवाह मत करो, मैं संभाल लूंगा उसको। मैं पानी लेके आती हूँ। बैठी रहो, मैं तो बैठी रहो। अच्छा तुम ऐसा करो कि मुझे हाँ या ना में जवाब दे दो। ये बताओ कि अगर मैं उसको हाँ कर दूं तो तुम्हें तो कोई इतराज नहीं होगा? बच्ची को अपने हिफ्ज अमान में रखना। पता नहीं उसने बाबा से कैसे बात की होगी, जैसे मुझसे करता है वैसे तो नहीं की होगी। पहली दफा देखा था जब मैंने, तब से ही अच्छा लगने लगा था। फरनाज भी काफी तारीफ करती है उसकी। अमल इतनी रात को तुम छत पे क्या कर रही हो? कुछ नहीं अम्मी, हवा खा रही थी। अपने अब्बा को चाय दे दी? कुछ कहा मिर्जा साहब ने तुमसे? नहीं। वैसे किस बारे में? सारी दिल की बातें तो वो तुमसे करते हैं, मुझसे तो वो राजदारियां छुपाते हैं। सुनगुन लेने की कोशिश करो तो जासूस का लकब दे देते हैं। वो तो अब्बा आपसे मजाक कर रहे होते। 22 साल से मजाक ही तो कर रहे। खैर जो मुझे नहीं पता होगा वो तुम्हें पता होगा। ऐसी कोई बात नहीं है, बल्कि कोई बात ही नहीं है। अच्छा जाओ जाके सो जाओ, रात बहुत हो गई है। जी डायरेक्टली आ गए। निकाल तुम। आप मुझे कुछ ड्रेसेस दिखाएंगी? शो वाई नॉट, तुम मुझसे बात क्यों नहीं कर रहे? आप ड्रेसेस दिखाएंगी ना? अब जी जी बिल्कुल दिखाऊंगी। आप बताइए किस ओकेजन के लिए चाहिए आपको? एक्चुअली मेरी शादी हो रही है। रियली? कांग्रेचुलेशंस। थैंक यू। तो आपकी वाइफ नहीं आई? नहीं, वो बड़ी स्टूपिड है, उसे अजीब अजीब फिक्रें हैं, यूनिवर्सिटी की, जॉब की, करियर की, फैमिली की, नहीं है मेरे साथ। That's really sad. आप इतनी स्टूपिड लड़की से शादी कर क्यों रहे हैं? मुझे लगता है मेरे दिमाग की वायरिंग में कोई प्रॉब्लम है, पता नहीं क्या देखा मैंने चुड़ैल में। चुड़ैल? चुड़ैल तो वो है, दांत लंबे नहीं है, नाखून भी लंबे नहीं है। Exactly. पांव भी सीधे हैं। हाँ। लेकिन है वो सॉलिड एक नंबर की चुड़ैल। हाँ वो है, लेकिन क्या कर सकते हैं, शादी फिक्स जो हो चुकी है। बहुत अफसोस हुआ जान के। मुझे भी। तुम दोनों को हो क्या गया है? तो बताइए उनकी हाइट, हाइट क्या है? सेम टू सेम ऐसी है। Really? मैं आप दोनों को जान से मार दूंगी। आपके पास ब्राइडल ड्रेसेस है ना? बिल्कुल है। सबसे अच्छा वाला दिखा। श्योर। तुम दोनों बात क्यों नहीं कर रहे मुझसे? क्या आउटफिट देख रहे हैं आप? It's nice. मरती है चुड़ैल इस पे। उसकी ड्रीम है कि वो अपनी शादी वाले दिन यही पहने। पक्का 100%. Really? अब अगर तुम दोनों ने बात नहीं की ना मुझसे तो मैं जा रही हूँ। लेकिन आप ये अफोर्ड कर पाएंगे? थोड़ा एक्सपेंसिव है।
कितने का? 2 लाख. Are you sure ये चुड़ैल का पसंदीदा ड्रेस है? 100%. क्या हो गया निकाल? इतना महंगा ड्रेस नहीं खरीदना मुझे. फिर तो मेरी चुड़ैल यही ड्रेस पहनेगी. डन, तो पैक कर लूं? बिल्कुल. तो क्या ख्याल है, चुड़ैल को ट्राई ना कराएं? करेगी चुड़ैल ट्राई. अचानक कैसे? जीती रहो जीती रहो. दरखास्त दे दीजिए छुट्टी की यूनिवर्सिटी में, और जिधर काम करती है उधर. जी बाबा दे दी. हैदराबाद जाना क्या जरूरी है? वो सुरैया सगी खाला है, अब वो इतने प्यार से बुला रही है तो जाना तो पड़ेगा ना. वैसे देखा जाए ना, जो मेरा मैका है वही इसका ननिहाल है, और जो आपका खानदान है वो इसका ददियाल है. अब इस तरह दौड़ दौड़ कर हैदराबाद जाना, अपनी मरहूमा माँ के रिश्तेदारों के हाथ पांव चूमना, ये कुछ मुनासिब नहीं है. देखो भाई आसिया, अगर तुम्हारे दिल में कोई और शक और शुबा है ना तो वो बोल दो. कोई शक कोई शुबा नहीं है, लेकिन बस मुझे दुख होता है. किस बात का दुख होता है? अरे अमल को मैंने पाला है, पोसा है, बड़ा किया है, पढ़ाया लिखाया, इसकी सारी जिम्मेदारियां मैंने उठाई हैं, और हक जताने के लिए इसके रिश्तेदार खड़े हो जाते. बाबा मैं जाऊं? नहीं रुको, देखो सुरैया की तबीयत अच्छी नहीं है, अगर गुजर गुजर गई तो सारी उम्र का पछतावा रह जाएगा. लेकिन हैदराबाद. हाँ तो कौन सा केला भेज रहा हूँ इसको, मैं जाऊंगा ना साथ में, छोड़ के वापस आ जाऊंगा. हाँ भाई करें आप लोग अपनी मर्जी, मैं तो कुछ भी बोलती रहूं मेरी कौन सुनता है, मैं तो खाम खाम बोल के हल्की होती हूँ. बेटा जा अपने कपड़े वड़े बैग में रख ले, कल दोपहर को निकल जाएंगे. अब इधर भी मुंह कर ले. अरे नाखून काट रहा हूँ, उंगली कट जाएगी. इधर देख के भी काटे जा सकते हैं. परेशान हो रही है बेटा, मत परेशान हो लीजिए ना. आपको घर कैसा लगा? अच्छा है माशाल्लाह, बहुत अच्छा है. शादी के बाद मैं और अमल यहीं रहेंगे, फिर जब हालात साजगार हो जाएंगे तो मैं अपनी मॉम को बता दूंगा. उस वक्त उनके पास मेरी बात मानने के अलावा दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है. और आपको जब बेहतर लगे आप अपनी फैमिली में बता दीजिएगा. कुछ सवाल है तो पूछ लीजिए. नहीं बेटा सवाल तो कोई नहीं, बस एक ख्वाहिश है दिल में. हुक्म कीजिए. बेटा दोनों तरफ की माएं अगर मान जाती बहुत अच्छा होता. खैर अब उनको मनाने में कुछ वक्त लग जाए, अगर हफ्ता 10 दिन महीना, तो मैं अपनी बेटी को दोबारा अपने घर से रुखसत करूंगा. सबको बेहतर लगे. जीते रहो बेटा.
अल्लाह खुश रखे। प्लीज आप ही लीजिए ना, ये लोगी बेटे। नहीं बाबा मैं ठीक हूँ। प्यारी लग रही हो माशाल्लाह, कितना रो पाया तुम पे। ओ माय गॉड, लुक एट यू फरनास। पता नहीं क्यों डर लग रहा है मुझे। ये शादी के दिन सब लड़कियों को डर लगता है, बहुत नॉर्मल बात है। ओके कुछ गलत तो नहीं कर रही ना मैं? बिल्कुल भी नहीं, और जल्दी भी नहीं कर रही। देखो अमर, ऐसे गुड लुकिंग और चार्मिंग बॉयज ना नसीब वालों को ही मिलते हैं, और अगर तुम्हारी बात पक्की ना हो रही होती ना तो मैं ही शायद फंसा लेती। मजाक कर रही हूँ। पापा कहाँ हैं? मेरे दूल्हे को वेलकम कर रहे हैं। चलो ना, दूल्हा गया होगा, चलते हैं। इसको तो दिखाएं हमारी दोस्त कितनी प्यारी लग रही है। मगर बाबा, मेरे बच्चे, तुम अकेली तो नहीं हो ना? तुम भी काल तुम्हारे साथ है, और ये घर तुम्हारा घर है। हमेशा निकाल का ख्याल रखना बेटा, अपने घर का ख्याल रखना। पापा आज की रात रुक जाए। अरे गुड्डे, बाप नहीं रुका करते बेटियों के घर, बेटियां रुखसत हुआ करती, और तुम्हारे बाबा तो तुम्हारे साथ है ना हमेशा। क्या बेटा? बस नहीं बेटा, रोना नहीं, रोना नहीं बेटा। बेटे मेरी गुड़िया को ले जाओ। मुझे जाने, तुम्हारी माँ जो बेटी इंतजार कर रही है। जाओ। जा मेरे बच्चे।
कौन आ गया? कौन? आप इतनी रात को सुबह को आ जाते? सुबह क्यों आ जाता, हैदराबाद कौन सा दूर है, छोड़ने गया था ना बस। अच्छा खाना खाएंगे आप? नहीं। अरे रुके तो सही, थका हुआ हूं। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? निकाल कहाँ है? इतनी जल्दी भूल गई, पहचाना भी नहीं। मिकाल, मिकाल, मिकाल बहुत दूर जा चुका है। मिकाल, मिकाल, मिकाल कहाँ हो? मिकाल, मिकाल। हटो मेरे सामने से। हट जाऊंगा मगर एक शर्त। कैसी शर्त? बस एक बार मान लो फिर मैं तुम्हारे रास्ते में कभी नहीं आऊंगा, I promise। मुझे लगता है कि तुमने उस दिन शायद मेरी बात ठीक से सुनी नहीं थी। अरे समझ तो तुम नहीं रही यार, इतनी अच्छी ऑफर दे रहा हूँ। Think about it। मैं लानत भेजती हूँ तुम्हारी घटिया ऑफर। समझो? दस लाख मतलब भी मेरे सामने आओगे तो 10 लाख दफा भी यही जवाब दो। पचास लाख की गाड़ी ली है उसने। झूठ बोल रहे हो तुम, बकवास कर रहे हो। और तुम्हें क्या लगता है तुम्हारी इन झूठी बातों पर यकीन कर लूंगी मैं? हरगिज नहीं। क्या किया तुमने मिकाल के साथ? सच सच बताओ वरना वरना सबको जाकर बता दूंगी। वो ठीक तो है ना यार? एक तो तुम मिडिल क्लास लड़कियों का एक बड़ा प्रॉब्लम है, धोखा आंखों के सामने होता है पर मानती नहीं, अपने आप को ही धोखा देती रहती है। हेलो, कैसी है मेरी गाड़ी, मजा आ रहा है? हाँ ब्रो सब सेट है। तू बता तेरी साइड पे क्या सीन है, सब कुछ काबू में है ना? सब काबू में, और जो चीज नहीं है ना वो भी काबू में आ जाएगी। मुझे पता था तुम ऐसा ही कुछ करो। चाहते क्या हो तुम? अमल तुम अब भी पूछ रही हो कि मैं क्या चाहता हूं? मैं तो सिर्फ एक ही चीज चाहता हूं। तुम्हें थप्पड़ मारा था, सबके सामने तुम्हारी इंसल्ट हुई थी, तुम बदला ले रहे हो उस बात का मुझसे, मुझे माफ कर दो। जाने दो मुझे, मुझे बाबा के पास जाना है, बाबा बाबा के पास जा रहा है, मुझे जाने दो। चली जाना। देखो अमर
मेरी बात माने बगैर मैं तुम्हें यहां से नहीं जाने दूंगा। अमल प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। अपनी कैंपस वाली का बता, ऐसे क्या देख रहा है? क्या हुआ? आदमी आई वो मुझसे बात भी करने लगा। तो मतलब तूने शिकस्त मान ली? तो क्या करता, जबरदस्ती उठा लेता? जबरदस्ती का कौन क्या है, और भी बहुत से तरीके होते हैं। मैचिंग योर रेस, लड़कियां होती है ना पैसे भी नहीं मानती। अच्छा तो फिर कैसे मानती है? प्यार, इन्हें प्यार से मनाना पड़ता। बिलीव मी, वो प्यार से भी नहीं मानेगी। प्यार बच्चों के बस का खेल नहीं है बच्चे। चल फिर तू एक काम कर, तू फंसा के दिखा दे मुझे। इसलिए? ऑफ कोर्स मेरे लिए। तू बैठ लगा रहे, सोच ले। सोच लिया। चैलेंज है? यस चैलेंज है। अब जो मैं बात कहने वाला हूं ना, उसके बाद ये अपना हाथ शर्ट से उठा ले। चल तू बोल बोल। सो अगर मैं शर्त जीत गया तो तू मुझे अपनी गाड़ी दे। वेट वेट वेट, इम्पॉसिबल। शाहमीर अपनी जान से अजीज गाड़ी किसी को भी नहीं देगा। अगर तूने मुझसे मेरी जान मांगी होती ना तो शायद मैं तुझे इनकार ना करता, लेकिन तूने भी गाड़ी मांगी है। बड़ा तेज है तू, और तू अच्छी तरह से जानता है कि मेरी गाड़ी मेरी इज्जत है, और तूने मेरी इज्जत पे हाथ डालने की बात की है। मैंने तो पहले ही कहा था ये नहीं मानेगा। मैं शर्त क्यों खेलूं, क्या फायदा? लेकिन तुझे बात भूलने नहीं दूंगा। लड़की तेरे हाथ में है, तू भूलने की कोशिश करेगा तुझे फिर भी याद दिलाऊंगा बार बार। बोलिए क्या स्लोगन क्या था हमारा? वो ये बोलिए। हाँ हाँ, क्या? जिसे दिया लड़की ने दर्द, क्या कर रहे हैं? रात का गुस्सा इस पे क्यों निकाल रहा है? इसने तो वही कहा है जो सबने डिसाइड किया कि जब भी कोई लड़की से हारेगा तो उसे ये कहेंगे। चल तू गाड़ी रख ले, मेरी तरफ से गाड़ी रख ले, लेकिन अगर तू ये शर्त जीता तो समझा तू? डन। एक बात याद रख, शामीर कभी किसी से हारता नहीं है। पॉकेट एसेस। बस गाड़ी तैयार। अबे गाड़ी की तो जबान दी है मैंने, गाड़ी लेकर आ रहा हूं। अच्छा बकवास बंद कर, फोन बंद कर।
क्या